जब महाप्रलय होगी तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। तो यह जो इस समय हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा और फिर उसके बाद यह संसार कैसे बनेगा, कब बनेगा? देखिए, जिस 14 लोगों की बात की जा रही है, वो 14 लोगों का तात्पर्य है सौर मंडल। सारी सृष्टि का प्रलय नहीं होगा, क्योंकि सारी सृष्टि में ये खेल ब्रह्म सृष्टियों की लीला नहीं आई है, 14 लोगों के ब्रह्मांड में आई है। और वैदिक विधान के अनुसार जो सातों लोक हैं पृथ्वी के ऊपर ही है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये पृथ्वी लोक के ऊपर है। पृथ्वी के लोक के नीचे कोई पाताल लोक नहीं है। जैसे आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ, तो मेरे पैर के नीचे जो नीचे वाला भाग है उसके नीचे आप बैठे हैं, तो आप कहाँ बैठे हैं? पाताल लोक में बैठे। हिमालय का जो उच्चवर्ती भाग है, स्थल भाग है, वो है पृथ्वी लोक। और जो नीचे समुद्र के किनारे के निचले भाग हैं उनको पाताल लोक कहा जाता है। पादस्य तले योदेशा स पाताल। पुराणों में जो कहा गया है कि अतल लोक पृथ्वी से इतना दूर है, वितल लोक इतना दूर है, सुतल लोक इतना दूर है, और अंत में रसातल और महातल और पाताल जो कहा गया है, वास्तव में पाताल लोक अमेरिका है। और जो शेष जो अतल वितल सुतल जो कहे गए हैं ब्रह्मांड रस में, इस तथ्य को अच्छी तरह से समझाया गया है। जो महार लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक कहे गए हैं, ये प्रकृति मंडल की सूक्ष्म अवस्थाओं के लोक हैं। इसलिए जहाँ भी 14 लोक की बात आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे सौर मंडल के लिए ये बात कही जा रही है। अब आपका प्रश्न है कि जब महाप्रलय हो जाएगा तो कैसा रहेगा? पहले साइंस की एक बात समझ लेनी चाहिए। हर समय न जाने गैलेक्सियां कितनी बन रही हैं और एक एक गैलेक्सी से न जाने कितने तारे बन रहे हैं। आप सोचिए, ये आपका सूर्य जो दिख रहा है ना, ब्लैक होल तारे में ऐसे समा जाएगा जैसे सूर्य था ही नहीं। ये सारे ग्रह नक्षत्र, ये जो चंद्रमा है, किससे निकला है? पृथ्वी से। ज़्यादा आकर्षण वाली वस्तु में छोटी आकर्षण वाली वस्तु समाप्त हो जाएगी। ये 9 ग्रह भी सूर्य में विलीन हो जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा सूर्य ब्लैक होल में समा जाएगा। और ब्लैक होल तारा ऐसा होता है, वो काला काला दिखेगा और हमारे सूर्य का उसमें कुछ भी पता नहीं, उसकी आकर्षण शक्ति इतनी होगी, उसमें इतनी ऊर्जा होगी कि गैलेक्सी में ऐसे समा जाएगा जैसे कि वो भी नहीं था। बड़ी गैलेक्सी में छोटी गैलेक्सी समा जाएगी और सारी गैलेक्सियाँ एक महाशून्य में विलीन हो जाएगी, एक अनंत अंधकार में, कुछ नहीं था और ये सब कुछ दिख रहा है। ये नदी, धरती, पर्वत, पहाड़, जो कुछ दिख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, ये तो केवल बाह्य रूप से दिख रहे हैं, ये इसी को तो जगत का प्रपंच कहते हैं। तो 14 लोक के ब्रह्मांड में यानी सौर मंडल में हमारे सूर्य के इर्द गिर्द जो 9 ग्रह हैं, जो दिख रहा है, इसको आप 14 लोकों का ब्रह्मांड समझ लीजिए। एक हमारी गैलेक्सी में हमारे सूर्य जैसे अरबों सूर्य हैं और इस गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सियां हैं, तो यह न समझिए कि सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। आपका सौरमंडल जिसमें आपकी पृथ्वी है, सूर्य है, 9 ग्रह हैं, विलीन हो जाएंगे किसी न किसी ब्लैक होल तारे में। इसको कहा जाएगा महाप्रलय। अब यहाँ जो लीला हुई है पृथ्वी मंडल पर, जैसे अमेरिका में भी वाणी की पहुँच हो चुकी है, अपना साथ सुंदर साथ भी रहता है, जहाँ जहाँ वाणी के ज्ञान का प्रकाश फैला है, अव्याकृत में ये सारा का सारा 14 लोकों का ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। लेकिन वो नूरमय ही होगा। यहाँ जो 5 तत्व का ब्रह्मांड दिखता है ऐसा वो ब्रह्मांड नहीं होगा। नूरी अव्याकृत के अंदर हर वस्तु नूरमयी होगी और ब्रह्म सृष्टियों के जीव सत्स्वरूप की पहली भविष्य में पहुँचेंगे, ईश्वरी शिष्य दूसरी भविष्य में पहुँचेगी, और जिन्होंने चितवनी की होगी कोरसी कोरे जीवों ने भी, वो भी सत्स्वरूप की पहली भविष्य में ब्रह्मात्माओं के जीवों जैसा रूप धारण करके परम धाम की लीला का आनंद लिया करेंगे। 8 भजतें योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाया करेगी और ऐसे होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शेष सृष्टि को कुछ पता नहीं रहेगा। जैसे ब्रज लीला में 11 वर्ष 52 दिन की लीला के पश्चात रास में पदार्पण हुआ अक्षरातीत का उनकी आत्माओं के साथ,
महाराज करने के पश्चात राज खेल के आए घर, उम्मीदा ना हुई पूरन धाक मन में रही। तब श्यामा जी को धनी हुक्म ऐसु कियो सही। वेद वाणी में स्पष्ट कहा गया है पिछला सात आया इत इन दरवाजे। पिछला सात यानी प्रतिबिंब की सखियां और बेदरिचा सखियां, 12,000 बेदरिचा सखियां और 24,000 कुमारियों काओं के जीव नए ब्रह्मांड में आ गए। वैसा ही ब्रह्मांड था, वैसे ही कृष्ण थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि कुछ फेर बदल भी हुआ है। सारी सृष्टि यह प्रयास लगाते लगाते थक गई, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाया कि क्या महाप्रलय भी हो गया था। आप भागवत के किसी विद्वान से पूछिए कि क्या बांसुरी बजने के बाद महाप्रलय हो गया, तो उसको समझ में नहीं आएगी बात। एक बात समझिए, आप किसी से प्रश्न पूछ दीजिए, भागवत में श्लोक में स्पष्ट कहा गया है जहो गुणमयम देहा, यानी बांसुरी की आवाज सुनते ही सभी सखियों ने अपना तन छोड़ दिया। जब तन छोड़ दिया तो दाह संस्कार करने का तो वर्णन होना चाहिए, लेकिन दाह संस्कार का कहीं वर्णन नहीं है। आगे भागवतकार लिखता है कि जब गोपों ने आंख खोली तो देखा कि उनकी पत्नियां तो उनके पास सो रही है। अब देखिए, लिखने वालों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब सखियां भागे जा रही थी तो घर वाले उनका पीछा किए कि हमारी पत्नियां कहाँ भागे जा रही हैं, बांसुरी की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई पड़ रही थी, केवल गोप सखियों को सुनाई पड़ रही थी और सखियां तन छोड़ती जा रही थी। सारे ब्रजमंडल 84 कोस का है, उसमें हंगामा मच गया कि सखियां जा कहाँ रही है। घर वाले दौड़े, स्वांतियों ने तो वही शरीर छोड़ दिया, राशियां उल्टा श्रृंगार करके रास्ते में तन छोड़ी। स्वांतियां सोचने लगे कि कैसे करें, ये तो बाहर शोर मच रहा है। घर वालों ने उनको ताले घर में बंद कर दिया कि सारी शरीर छोड़ती जा रही है, कहीं हमारी भी पत्नी शरीर न छोड़ दे। विरह में तड़प तड़प कर स्वांतियों ने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा तो उनको दाह संस्कार तो करना चाहिए। लिखने वाला भागवत का करता ये भूल जाता है कि पहले उसने क्या लिख दिया। जब दाह संस्कार हुआ तो उनको दाह कर्म का तो वर्णन कुछ करना चाहिए कि कितने का दाह कर्म हुआ, ये कुछ नहीं। सबको जीवित पाया गया और सब अब बगल में सोती हुई मिली। इसका तात्पर्य क्या है? जिन्होंने शरीर छोड़ा वो इस ब्रह्मांड में नहीं थे, और जिन्होंने अपनी पत्नियों का पीछा किया वो भी इस ब्रह्मांड में नहीं थे। सारे जीव नए थे। ये आप किसी भी भागवतकार से पूछेंगे तो वो आश्चर्य कर गया कि हम इतने साल से भागवत पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए जैसा का तैसा ब्रह्मांड चलता रहेगा। आप जानते हैं एक गैलेक्सी से हमेशा, गैलेक्सी का जो केंद्र बिंदु होगा उससे हमेशा सौर मंडल बनते रहते हैं। पुराने सौर मंडल उसमें लीन होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। जैसे एक समुद्र से असंख्य बुलबुले पैदा होते रहते हैं और डूबते रहते हैं, वैसे हमारा सौर मंडल 14 लोकों का ब्रह्मांड इस मोह सागर में एक बुलबुला है और डूब जाएगा, फिर वैसे दूसरे पैदा होते रहेंगे। एक ब्रह्मांड में रहने वाले जीव दूसरे जीव के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो अनंत सृष्टि है, वो भी नारायण की सृष्टि है। हमें परम धाम का ज्ञान मिल गया है तो हम राज्य से वैसा व्यवहार करते हैं जैसे वो परिवार के सदस्य हों, उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब उनकी गरिमा को देखेंगे, सृष्टि का विस्तार जानेंगे, तो पता चलेगा एक नारायण की महिमा कितनी है। और नारायण तो नींद में है, नारायण से बड़े अक्षर की गरिमा क्या है। फिर हम जब राज्य की महिमा को सोचेंगे तब हमें पता चलेगा। और यही दिखाने के लिए राज्य इस खेल में लाए हैं।